हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप के सारे अच्छे होंगे। तो कड़ी मेहनत और कड़ी लड़ाई के बाद हम लोग निकल रहे हैं शिमला। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, ये गरीब बच्चे सारे ऐसे बैठे हैं, ये देखो हमारी अगर पल्सर वल्सर आ रही है, चीता ही कह दे। तो काफी मतलब काफी हद तक एक बाइक हमारी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो उसको चलाने के लिए सारे वो कर रहे हैं कि मैंने चलाऊंगा, बट कोई नहीं, सब मैंने जो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं जीबी से है 173 किलोमीटर शिमला, और पूरी खड़ी चढ़ाई है, आधे रास्ते पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो वो चीज मैनेज करते हैं और निकलते हैं, सीधा मिलते हैं शिमला में, और बीच में कोई स्पोर्ट आता है रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। पहले शेर, शेर दरियाई घोड़े। ये 12 किलोमीटर नीचे आने के बाद देखो रोड बन रही है यहाँ पे, ये पूरा टॉप से लेके नीचे तक पूरा रोड बहुत प्यारा बना रखा है, और यहाँ के नज़ारे देखो कितने प्यारे हैं। और वहाँ पे भाई लोग हमारे कैंपिंग कर रहे हैं छोटी सी, और ये देखो भाई काम चल रहा है यहाँ पे रोड बनने का। अभी कोई भी आया तो रोड देखो कितनी चकाचक मिलेगी सबको। ये देखो आसमान के नज़ारे हमारे कुछ ऐसे, ठंडी ठंडी हवा के साथ। आधे दोस्त ही रुके हैं, आधे दोस्त हमारे ऊपर रखे हो बड़ी कार के पास, तो बस ये क्लियर होता है फिर हम भी निकलते हैं नीचे। ओए हिल गए सारी ना भाई, मेरे ए पानी की बोतल ले जाओ। कुत्ते की लगा है तेरे पर ना, व्हाट इज दिस। ये देख रहे हैं सारे जितने भी ये पेड़ पे लगा रखे हैं, सारे सेब के पेड़ हैं। ये लोग सेब पकाने के लिए और सेब को धूप से ज्यादा बचाने के लिए तो ये नीचे पेड़ पे ये लगा देते हैं। एक बार नज़ारे देख रहे हो कितने प्यारे नज़ारे हो रहे हैं यहाँ के, ये पेड़ देखो, मदर नेचर, वाओ 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 वाओ। ये खड़ी कर दी हमारी शेरनी, और उसके बगल में बंदर, नीचे देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारे दोस्त थोड़े से पीछे रह गए थे कुछ खाने के लिए, तो उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। और ये देखो कितना प्यारा मौसम और कितने प्यारा व्यू है। तो यहाँ पे रुके हैं, गजाधर नाम का कोई लोकेशन है, यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं, लंच वगैरह कर रहे हैं। ये डॉगी हमारा सो रहा है, और एक ये दूसरा सुअर हमारा सो रहा है। रात को 3 बजे सोने का नतीजा है ना, टाइम तो सोया था 3 बजे सुने भाई, हम यहाँ 12-12, 1 बजे एकदम मस्त हो रखे। ये देखो 9 बजे 8 बजे 12 बजे ये देखो यहाँ से क्या लोकेशन है, गजाधार, नाइस लोकेशन इन हिमाचल। कौन सा पत्ता घुस गया उसके, सीन साइनो। ये देखो इसके यहाँ पे कोई पेड़ होता है कांटे वाला, तो उसके पैर में घुस गया साइनो नाम का, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, देखो क्या स्वेलिंग होगी इसके पैर में। और इसका साइनो कहते हैं वैसे, पता नहीं क्या बोलते हैं। और इसका तोड़ क्या है वैसे, तोड़ है भाई देसी नुस्खा, अपनी नहट निकालो और लगा लो। मेरे हाथ में लगी थी भाई पूरे, ये पैर पे लगाने गिल लगा रही, मैंने तो कहीं से हाथ में मस्त मला और 2 मिनट में ठीक। हम भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ कर ले, बट ये नहीं कर रही, यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है। ये ये यो मैन यो, और देखो हमारी बाइक है यहाँ खड़ी करके। तो चलो लंच करते हैं फिर निकलते हैं अपने रास्ते पे, तब के लिए बने रहे वीडियो में और मिलते हैं। यहाँ हकीम आ गया खाने को,
ये पता नहीं क्या लगा रहा है, जड़ी बूटी तोड़ के इसके पैर में। भाई खाने का ऑर्डर दे दो, जो खाने में लेट करा उसे छोड़ के हम निकल जाएंगे। और ये रे वॉके टॉके, खाना खाओ फिर पछता लगा रहे जो रुक ही नहीं आ रहे। 7 करोड़ देंगे हम उसे, 7 करोड़। अब नहीं मचेगा तेरी एक मैगी। हाँ मैगी, एक नूडल हो दो उसके लिए। मैगी है किसी की? मैगी है और क्या है? बेइज्जती हो गई आपकी, गले में लग गया, फंस गया बस। भोजपुरी चावल बोले इसने बनाने के लिए, राजमा चावल भैया, चावल कर लो, अच्छा लग रहा है। भोजपुरी चावल बनाने के लिए बोले इनको, बोले भाई दोनों उंगलियां मेरी। अच्छा हकीम कहा करतो है, लाउन छा लाउन छा लाउन छा लाउन छा बिहारी बिहारी अभी बिहारी बोल। अरे नंदा सुन ना, दो प्लेट दाल चोखा खाएगा। अरे बा बाबा आ चुकी है नूडल्स उर्फ चाउमीन। फिलहाल तो देखने में मस्त है, कैसे हो रही है? अच्छी है, पर लो हमारे आशीष के साथ थोड़ी मिर्च। मेरे हिसाब से मस्त होगी, तो खाते हैं और मिलते आगे। करण वीडियो देना है, फोन दे दे, क्या हो गया? नहीं जा रहा हूँ, इतना दिखा नहीं है, पर तुम देना फोन दिया। मैक मैक फोन लेके आओ, मैक मैक फोन लेके आओ, मैक फोन लेके आओ। करण का रुक गया मेरा फोन, दिखाता हूँ आप लोगों को पहाड़ों के फल। ये देखो दो बंदर हमारे पहाड़ों के फल तोड़ रहे हैं। आवे बंदर आओ, क्या चल रहा है वहाँ पे? है वहाँ पे मस्त मस्त बर्लियात। ये देखो क्या काटे वाटे तो नहीं है ना? काटे होते हैं, काटे होते हैं। वेलकम टू जॉइन यू। पहाड़ों के रास्ते देख के चलना पड़ेंगे क्योंकि चढ़ तो गया, उतरने में दिक्कत होगी। देखो ये देखो काफल, और ये है काफल के पेड़। ये देखो ये लगे हुए, यहाँ के पास के सारे तोड़ दिए। यस दे रहा, वहां तक नहीं जा सकती ना, कांटे है देखो ना। ओ सेट, ये देखो कांटे लगे हुए पूरे पेड़ में, बट मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, मेरे हाथ हो चुके हैं फ्री, और इस टाइम मैं तोड़ूंगा। और आपकी वजह से मेरे को लगा ना, इतना भी प्रेस मत करो, दिस इज सॉफ्ट नाजुक क्वीन। आपने ये देखो भैया, ये नहीं पके हुए कच्चे, जो सॉफ्टली जो जिसका ऐसा गैप देख ना, देखो इसके आसपास क्या है, ये क्या है, देख कितना सॉफ्ट है, टाइट है देख। तो ये काफल का पेड़ हमने पूरा खाली कर दिया है। चलो 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 आ जा उधर, भैया आपका हाथ चली जाए तो। ओ देखो उधर, ओरे ओरे ये तीनों चारों कहां है? वो ऊपर, हां बट बी केयरफुल भैया, मैं नीचे खींचू, रुको मैं डाल खींचती हूँ। डाली डाली भैया, अभी काटे उसमें, अरे हमें लग जाएगी, आप मत करो, मैं खींच रही हूँ। यस यस वेरी गुड, सारे तोड़ लेना भाई साहब, की तो काटे के साथ ही तोड़ रहे हैं। नीचे आ गिर गया, ये नीचे भी आ गए इधर, विपना का तमाम गिर गया मेरे हाथों से। अब क्या गिर गया? जल्दी भैया, मस्त मस्त हो रहे हैं आपके सर्कल पर। कितने ये देखो इस वाले जी, जो पकड़ रखा ना उसी डाल पे। गाइस वो हमारे साथी लोग बैठे हुए थे। क्या यार भैया, बिना जैकेट क्यों, मैं इतने सारे पूरा आधा पेड़ खाली कर दिया। यो यो यस यो हो तो काफल, अब एक भी दाना गिरा ना गोमा, उसके पैसे तू देगी, पेल देंगे तेरे को गिरा गिरा के। और बस हो गया खत्म, इधर है नीचे है हल्के हल्के। अरे यार बस चलो चलो छोड़ो, वीडियो बनाओ कि काटा चल गया, काटा दिख रहा हूं, काटा लगा हाय लगा, ये उतरो ना मुझे वहीं आना है। ए धोलिए हमने खाने के लिए रेडी हो क्या? ये
ये देखो फोटो खींच रहा हूँ इसको, फोटो खींचना है कहाँ फलती मैं ऐसे नहीं विपना ऐसे पहाड़ की तरफ से अब हाँ यार सिर्फ इसकी खींचो वेयर यू आर मेकिंग वीडियो उससे फोटो क्लिक होती है ब्रो गवी पीपल्स चलो बाइक हो गई थी पंचर तो वो पंचर ठीक करवा रहे हैं और बाइक में थोड़ा सा बहुत कुछ और भी काम रह गया था वो भी करवा रहे थे हवा भर भर के चला रहे थे बाइक अब एक स्टॉप दोबारा हो गया हमारा और ये देखो सलमान खान अंकल और ये पुराने पुराने घर और ये यहाँ के बाद यहाँ चीता ही कह दे शिमला रह रहा है 45 किलोमीटर और यहाँ बंदों के हाल देखो ये देखो कितने किलोमीटर दिखा रहा है ये हाल है अभी हाँ भैया 45 42 दिखा रहा है रात की फट चुकी है और हमारी भी फट चुकी है और रात के 9 बज रहे हैं अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता और हो जाएगा अपना तो देखते हैं कब पहुंचते हैं और आज का तो मेरे को लग रहा है घूम भी नहीं पाएंगे तो ये हमारा बीमार आदमी कौन बीमार अरे यार आशु चल ना यार चले ये देखो थक जाता बार बार रोक लेता है यार आशु पता चलो ये चला रहा तो कभी हार नहीं मानता पर चला रहा तो हार मानती मेरे मुंह क्या कहेगा तो जी हम पहुंच चुके हैं शिमला के टनल में चलते हैं सीधा टनल के अंदर से और बहुत रात हो चुकी है टाइम हो चुका है 11:30 एक टनल देखिए कितने प्यारी बना रखे हैं टनल और अभी ये नया बना है हमारे ये बाल बच्चे थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं आगे अभी यहाँ पे जहाँ में जाना वो रह गया कम से कम 4-5 किलोमीटर फिर वहाँ देखते हैं होटल ढूंढेंगे और स्टे लेंगे और फिर मिलते हैं सीधा मॉर्निंग तो हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग तो कैसे हो आप लोग आई होप के सारे अच्छे होंगे तो आज हमारी मॉर्निंग हो चुकी है शिमला में कल शायद मैंने तो कल मैंने रात को गुड बाय बोलना भूल गया था तो फिर इसलिए छोड़ो उसको तो अभी हमारा प्लान है थोड़ा मॉल रोड वगैरह घूमने का और यहाँ से थोड़ा पहले बाहर निकलते हैं 12 बज चुके हैं और ये हालत देखो इसकी और यहीं से बेहतरीन व्यूज दिखता है खिड़की से और हमारे रूम का कुछ ऐसी हालत है तो निकलते हैं एक्सप्लोर करते हैं शिमला को और मिलते हैं आगे तो रात को हमने होटल कुछ ऐसा लिया था अगर आप मॉल रोड के साइड आओगे तो मॉल रोड के साइड आपको कुछ होटल ऐसा दिखेगा ट्री होटल ग्रीनलैंड तो ये होटल था हमारा रीजनेबल प्राइस अगर ग्रुप आ रहा है तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट प्राइस है होटल का तो होटल हमारा ये अंदर रिसेप्शन एरिया और यहाँ से बिल्कुल सीधा निकलते सीधा पार्किंग भी आपको फ्री मिलने वाली है कोई इसके चार्जेस नहीं है और पार्किंग से ही आप नज़ारा देखोगे तो इतना प्यारा कुछ ऐसा नज़ारा होने वाला है अगर किसी को भी यहाँ पे आना है शिमला तो इसमें रुक सकता है यहाँ के चार्जेस एक रूम के सबसे बेस्ट रूम है 1500 रुपीज़ का जो मेरे को वर्थ इट लगा और अगर आपको रहना है तो आ सकता है बाकी जर्नी आप कंटिन्यू रखो तो मैं भी निकलता हूँ हमारी बाइक बहुत गंदी हो रही है इस टाइम तो हमारी बाइक के कुछ ऐसे हालात हैं धूल मिट्टी इसको वॉश भी नहीं कर पाया मैं और देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से और यहाँ से जैसे ये हमारा होटल है ना होटल से
थोड़ा सा आगे जाके स्टेयर्स वगैरह है, स्टेयर्स वगैरह तो सीधा ऊपर चढ़ के ये पूरा मॉल रोड है, ये पूरा मॉल रोड है ऊपर। बस पास में ये मॉल रोड घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कुछ बेहतरीन जगह। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए। ये रास्ता पूरा जाता है ऊपर से यहाँ तक और पूरा हमारा होटल ये रहा। तो एक छोटी सी ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये सारे हमारे बंदे। तो लो जी पहुँच चुके हैं मॉल रोड यहाँ के, और सामने देखो हनुमान मंदिर। वाओ, हमारे हनुमान जी की मूर्ति। और यह है मॉल रोड यहाँ का बेहतरीन नज़ारा। और मौसम भी क्या खतरनाक हो रहा है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फिर निकलते हैं। अगर आप शिमला है तो मॉल रोड नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा। कितनी बेहतरीन जगह है यार, प्यारी मार्केट है। अगर रात का हो तो और ज़्यादा प्यारी मार्केट लगेगी आपको, क्योंकि लाइटिंग वगैरह प्रॉपर अच्छे से रहेगी यहाँ पे। तो खूबसूरत प्लेस ये देख रहे हो, बिल्डिंग्स वगैरह। तो सेकंड मील है हमारी पिज्जा और पेप्सी। पहले थम्स अप के दिया, पेप्सी ट्राई करते हैं और खाते हैं इसको भी, और नेक्स्ट देखते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ खाने हैं, घूमने नहीं है।